आपको बताया हमने कि कोई रेक्टेंगुलर कोयल है, कोई रेक्टेंगुलर शेप में हमने कोयल बनाई, कोई एल्युमिनियम फ्रेम ले लिया और एल्युमिनियम फ्रेम के ऊपर हमने कॉपर वायरिंग कर दी, वही तो कोयल बनेगी। अब उस एल्युमिनियम फ्रेम को हमने मैग्नेटिक फील्ड में जाकर रख दिया। आपने क्या देखा था पहले भी लास्ट आर्टिकल में, हमने बताया कि जैसे ही हम किसी करंट कंडक्टिंग कोयल को मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाते हुए रखेंगे तो उस पर क्या लगेगा, नेट फोर्स जीरो। पर नेट फोर्स जीरो होने के बावजूद भी उस पर एक टॉर्क लगने लगा था और उस टॉर्क के कारण वो कोयल क्या हुई थी, रोटेट करने लगती है, ये बताया था ना। उसी बेस पर, उसी सिद्धांत पर एक आज ऑपरेटर्स पढ़ाते हैं आपको, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या है? गैल्वेनोमीटर इट इज ए डिवाइस टू डिटेक्ट डायरेक्शन एंड मेजर द करंट। गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिसके द्वारा हम करंट की डायरेक्शन को मेजर कर सकते हैं और करंट कितना है, सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है उसका हम मेजरमेंट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन उठता है कि फिर एमीटर क्या है? एमीटर भी करंट मेजरमेंट का डिवाइस है ना, पर एमीटर के द्वारा हम ज़्यादा करंट को माप सकते हैं। गैल्वेनोमीटर इतना ज़्यादा अच्छा एपरेटस नहीं है कि इसके द्वारा हम क्या करें, ज़्यादा मैग्नीट्यूड का करंट मेजरमेंट कर लें, बहुत थोड़ा। और बेसिकली कहूँ तो माइक्रो एम्पियर, माइक्रो एम्पियर में करंट ये मेजरमेंट करता है। गैल्वेनोमीटर आपने लैब में देखा होगा, उस गैल्वेनोमीटर में क्या होगा, जो जीरो रहता है वो बीच में रहता है, ठीक। और एमीटर में जीरो कहाँ रहता है, अगर बात एमीटर की करेंगे तो एमीटर में जीरो एक साइड होता है, पॉइंटर लगा होता है ना, एमीटर में जीरो एक साइड होता है, क्लियर। जितना डायरेक्शन, जितना वो रोटेट होगा उसका, जो ये यहाँ पर हमने लगाया है, क्या इसे क्या क्या कहेंगे, पॉइंटर। ये पॉइंटर जितना रोटेट होगा उतने करंट हम मेजर करते हैं करंट से। गैल्वेनोमीटर में कहाँ होता है, बीच में, इस डायरेक्शन में नीडल जा सकती है और इस डायरेक्शन में भी, आगे बताएंगे कैसे नीडल जाती है। गैल्वेनोमीटर क्या हुआ, क्या है गैल्वेनोमीटर, एक डिवाइस है, एक ऐसा ऑपरेटर है जिसके द्वारा हम सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है और उस करंट की डायरेक्शन क्या है उसका हम मेजरमेंट करते हैं, और बहुत थोड़ा करंट ये मापता है माइक्रो एम्पियर में। प्रिंसिपल तो कोई भी ऑपरेटर होगा किसी ना किसी प्रिंसिपल पर बना होगा, तो ये किस पर है, एक करंट कंडक्टिंग कोयल प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस ए टॉर्क एंड रोटेट्स। बहुत छोटा सा प्रिंसिपल है, क्या है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कंडक्टिंग कोयल को रख दें तो क्या होगा, उस करंट कंडक्टिंग कोयल पर मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर उस पर एक टॉर्क कार्य करेगा और उस टॉर्क के कारण वो कोयल क्या होगी, रोटेट करेगी। बात समझ में आई आपको, नहीं आई? ये आप डायग्राम है किसका, गैल्वेनोमीटर है क्या, गैल्वेनोमीटर में होगा ये, एक हम सॉफ्ट आयरन के लिए सिलेंडर लेते हैं, किसका सिलेंडर लिया हमने, सॉफ्ट आयरन, सपोज करो ये सिलेंडर ले लिया सॉफ्ट आयरन का, ये सॉफ्ट आयरन क्या लिया, सिलेंडर लिया, उसके ऊपर एल्यूमिनियम का फ्रेम रख दिया, नॉन आयरन का, एल्यूमिनियम की जगह किसी और का भी ले सकते हैं, नॉन आयरन एक फ्रेम एल्यूमिनियम ले लिया, रेक्टेंगुलर फ्रेम, क्या लिया, रेक्टेंगुलर फ्रेम लिया, उस रेक्टेंगुलर फ्रेम के ऊपर कॉपर वायर की हमने उसे रोटेट उस पर कर दिया, कॉपर वायर उस पर लपेट दिया, कॉपर वायर किस पर लपेटा, रेक्टेंगुलर एल्यूमिनियम फ्रेम पर, एल्यूमिनियम फ्रेम के अंदर क्या है, क्या है, सॉफ्ट आयरन का एक सिलेंडर, देखिएगा ये सॉफ्ट आयरन सिलेंडर, ये अंदर क्या है, सॉफ्ट आयरन से मिलकर बना सिलेंडर, उसके ऊपर ये क्या है, किसका फ्रेम, हाँ किसका, एल्यूमिनियम फ्रेम, मतलब कैसा फ्रेम है, नॉन आयरन, नॉन आयरन, और उसके ऊपर कहीं की बाइंडिंग है, कॉपर वायर्स, क्या है, कॉपर वायर्स। आप थोड़ा देख लीजिएगा,
ए कॉयल ऑफ कॉपर वायर इज वाउंड ओवर ए नॉन आयरन फ्रेम. क्लियर? और नॉन आयरन फ्रेम किस चीज का बताया मैंने? एल्यूमिनियम का. और उस पर क्या है? एल्यूमिनियम के फ्रेम पर कॉपर वायर लिपटी है. एंड इज फिक्स्ड अलोंग एक्सिस ऑफ ए मेटल आयरन सिलेंडर. वो फ्रेम के अंदर क्या है? एक फिक्स है. वो किस पर फिक्स है? जैसे ये सिलेंडर और इसके ऊपर ये आयरन का फ्रेम, ठीक. और ये उस फ्रेम रोटेट कर सकती है उस सिलेंडर के ऊपर. ये इस प्रकार फिक्स है उसके चारों तरफ कि वो रोटेट भी कर सकता है. कौन रोटेट कर सकता है? फ्रेम. दिस कॉयल इज फिटेड फ्री टू रोटेट विद इन टू एंड्स ऑफ सिलिंड्रिकल मैग्नेट. ये दो सिलिंड्रिकल मैग्नेट हैं एंड नॉर्थ पोल और साउथ पोल. इनके बीच ये सब सिस्टम, ठीक. जो वो कॉपर वायर्स हैं, नीचे एक स्प्रिंग लगा दी गई और स्प्रिंग के बाद उसे नीचे स्थिर कर दिया गया. स्प्रिंग ऊपर भी स्प्रिंग लगा सकते हैं. किसी गैल्वेनोमीटर में एक स्प्रिंग रहती है और किसी में दो स्प्रिंग रहती है. स्प्रिंग का क्या कार्य है मैं आपको अभी बताऊंगा. ये कौन लगा है? पॉइंटर. और पॉइंटर किस पर रोटेट कर सकता है? स्केल पर. क्लियर? इस स्केल की सहायता से ही हम पता करते हैं कितना करंट. दिस मेक्स ए रेडियल मैग्नेटिक फील्ड. कौन? ये जो हमने एंड रखे हैं दोनों, नॉर्थ पोल साउथ पोल, है ना, ये कैसा मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करते हैं? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड. कैसा मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करते हैं? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करते हैं. रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का क्या मतलब होगा? मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की क्या है जो डायरेक्शन है, वो जो कोयल का प्लेन है उसके परपेंडिकुलर है. रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है? क्या बताया मैंने इसका अर्थ? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड बाय द नॉर्थ एंड साउथ पोल, डेवलप्ड बाय मैग्नेट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल. बात समझ में आई? ये मैग्नेट इस प्रकार रखे जाते हैं. ये मैग्नेट हम सिलिंड्रिकली फॉर्म में क्यों लेते हैं? क्योंकि सिलिंड्रिकल फॉर्म में लेने से जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है वो इस प्रकार डेवलप होता है कि वो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा जो कोयल की प्लेन है, जो कोयल का तल है, उसके हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा. ये द कोयल इज पाइवोटेड ऑन ए फ्रेम. ये चारों तरफ इसके फ्रेम होता है और उस फ्रेम से इसे जोड़ दिया गया है विद इन विद टू हेयर स्प्रिंग्स. ये जो स्प्रिंग्स हैं ये बहुत सॉफ्ट स्प्रिंग्स हैं. इन्हें इसमें से नाम दिया गया हेयर स्प्रिंग्स. स्प्रिंग्स तो बहुत बहुत टाइट भी होते हैं. आपने कभी अगर आप ट्रेन से सफ़र करेंगे कभी तो उसका स्प्रिंग देखना नीचे लगा होता है. कैसा स्प्रिंग होता है? हम सब इतने सारे बच्चे मिलकर भी क्या करेंगे? उसे हिला नहीं पाएंगे, है ना. एक स्प्रिंग वो होता है कि जो खिलौने में लगा होता है. आपने चाबी भरी तो स्प्रिंग तो होता है उसके अंदर. स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर होती है और उसे स्टोर एनर्जी के कारण ही जो आपका खिलौना है वो आगे चलता है. तो ये हेयर स्प्रिंग है. ए पॉइंटर एंड स्केल सिस्टम इज मेड टू मेजर एंगल ऑफ रोटेशन. ये सिस्टम पॉइंटर लगाया गया, स्केल लगाया गया. और ये क्यों लगाया जाता है? हम रोटेशन एंगल ऑफ रोटेशन मेजर कर सकते हैं. तो आपको समझ में आया? कुल मिलाकर दो मिनट में रिविजन करते हैं. क्या है? एक डिवाइस है. गैल्वेनोमीटर इज ए डिवाइस टू मेजर द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट, है ना. एमीटर ज़्यादा मैग्नीट्यूड का करंट मेजर कर सकता है और गैल्वेनोमीटर शॉर्ट रेंज है, माइक्रो एम्पियर में करता है. किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है? कि ये करता है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कंडक्टिंग कोयल को रख दें, है ना, तो क्या होगा? उस कोयल में एक टॉर्क डेवलप हो जाएगा और उस टॉर्क के कारण वो कोयल रोटेट करेगा. डिस्क्रिप्शन में क्या बताया? कुछ नहीं है, केवल एक क्या है? सिलेंडर है. सिलेंडर के ऊपर कहाँ का सिलेंडर था? वो सॉफ्ट आयरन का. और उसके ऊपर क्या है? आयरन एल्यूमिनियम फ्रेम. आयरन का एक रेक्टेंगुलर फ्रेम उस पर हमने लगाया और उसके चारों उस फ्रेम पर हमने कॉपर वायरिंग कर दी. क्लियर? कॉपर वायर से क्या हुआ? सोलेनाइट बना दिया उसको. और उसके बाद क्या हुआ? वो रोटेट कर सकता है. मैग्नेटिक फील्ड में रखा और मैग्नेटिक फील्ड में रखने क्या लिया हमने? मैग्नेट कैसे लिए?
मैग्नेट लिए हमने, सिलेंड्रिकल फॉर्म में हमने मैग्नेट लिए, और सिलेंड्रिकल फॉर्म में मैग्नेट लेने से हमें फ़ायदा क्या हुआ? सिलेंड्रिकल फॉर्म में मैग्नेट लेने से हमें फ़ायदा क्या हुआ बोलो? सिलेंड्रिकल फॉर्म में मैग्नेट लेने से हमें फ़ायदा ये हुआ कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गया। कैसा डेवलप हुआ? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। अब ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो डेवलप हुआ, वो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन आई, वो डायरेक्शन इस प्रकार की आई है हमारी कि वो कोयल के प्लेन के परपेंडिकुलर है। क्लियर? इसे हम दिखा सकते हैं आपके लिए। कैसे हम दिखा सकते हैं? ड्यू टू सिलेंड्रिकल, जो हमने ये दोनों मैग्नेट लिए, मैग्नेट्स के पार्ट्स लिए ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और हमने सिलेंड्रिकल फॉर्म में लिया, तो सिलेंड्रिकल फॉर्म होने से केवल रेडियल मैग्नेटिक फील्ड डेवलप नहीं होता, पर साथ ही साथ जो ये मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। ड्यू टू सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन विच नॉट ओनली मेक्स द फील्ड रेडियल बट ऑल्सो इंक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल की आपको दिखाते हैं कि जैसे ये क्या है, ये आपका ऊपर वाला हिस्सा है टॉप का, ये हिस्सा जो आपका सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर आयरन का फ्रेम है, आयरन के फ्रेम के ऊपर क्या थी, कॉपर की वायरिंग है, तो ये कॉपर वायर का आपको दिखेगा ऊपर से, भाई दो वायर नहीं दिखेंगे, जितने भी आपको वायर आएंगे उस पर, तो ऊपर से ये दिखेगा, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, नॉर्थ पोल से आउटवर्ड और साउथ पोल के लिए इनवर्ड, बताया था ना। तो ये इस प्रकार मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा यहाँ, और ये आउट इनवर्ट। क्लियर हुआ आपको? ये हमने रेडियल पार्ट दिखाया इसका। क्लियर? अब क्या होगा, जो कोयल है उस पर क्या उसे एक्सपीरियंस होगा, क्या अनुभव होगा उस पर? एक टॉर्क लगेगा। कितना टॉर्क लगेगा? ये टॉर्क लगेगा रेडियल के वजह से। क्या हुआ यार, थीटा हमेशा 90। आपने तो बताया कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कोयल के क्या होगा, जो उसका परपेंडिकुलर होगा। क्लियर? इस टॉर्क से क्या होगा, ये कोयल जो है वो रोटेशन में आएगा, रोटेट करेगा, वो फ्रेम रोटेट करेगा। अब बताइए, जब ये फ्रेम रोटेट करेगा तो ये जो स्प्रिंग्स लगे हैं, क्या स्प्रिंग भी क्या होगा, स्प्रिंग रोटेशन में आएगा, और जब स्प्रिंग आएगा रोटेशन में तो क्या होगा, स्प्रिंग उसमें हमेशा एक काउंटर टॉर्क डेवलप हो जाएगा, काउंटर टॉर्क डेवलप होगा। जैसे आप खिलौने में करते हैं, जब आप चाबी भरते हैं, भरते चले जाते हैं, तो क्या होगा, वो स्प्रिंग भी टाइट होती चली जाती है ना, स्प्रिंग टाइट होती चली जाती है ना, और जैसे ही उसे हम छोड़ते हैं तो क्या होगा, वो जो स्प्रिंग है वो वापस अपनी पोजिशन में आती है, रिस्टोरिंग करती है। होता है ऐसा? नहीं होता। तो जो स्प्रिंग है वो स्प्रिंग में क्या डेवलप हो गया, काउंटर टॉर्क। क्या डेवलप हो गया? काउंटर टॉर्क डेवलप हो गया। उस काउंटर टॉर्क से जाकर क्या होगा, ये जो आपने पॉइंटर लगाया है, जो स्केल पर जा रहा था, ये बैलेंसिंग पोजिशन में आएगा। तभी तो जाकर कौन एक जगह जाकर रुकेगा, भाई कोयल तो घूमने लगी, इसके कारण क्या हुआ, काउंटर अटैक हुआ, कहीं ना कहीं तो बैलेंस होगा। अब ये काउंटर टॉर्क कितना डेवलप होता है, ये काउंटर टॉर्क डिपेंड करेगा कि उसने कितना उसमें डिफ्लेक्शन हुआ। सपोज करो, बात समझ में आई या नहीं आई? अब ये काउंटर टॉर्क डिपेंड करेगा किस पर, डिफ्लेक्शन पर। सी लगाते हैं यहाँ पर, सी क्या है, सी एक कॉन्स्टेंट है, उसे हम कहते हैं करंट रिडक्शन फैक्टर, करंट रिडक्शन फैक्टर। क्या होगा ये, करंट रिडक्शन फैक्टर, या क्या कहेंगे, रेस्टोरिंग फोर्स, रेस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। सी इज गल टू आई टू अपॉन फाइव, इफ फाइव इज गल टू वन देन सी इज गल टू टॉर्क। तो क्या आया, रेस्टोरिंग टॉर्क
पर यूनिट ट्विस्ट। बात क्लियर है या नहीं? बैलेंसिंग की पोजीशन में क्या होगा? टो इज इक्वल टू एन आई ए बी इज इक्वल टू सी फाई। क्लियर है आपको? नहीं क्लियर हुआ आपको? और करंट कितना आया? सी अपॉन एन बी ए फाई। क्लियर? आई इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर? आई इज इक्वल टू आया यहाँ पर आपका क्या आता है आया। और फाई इज इक्वल टू आई प्रोपोर्शनल टू फाई। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं? मेजरमेंट कर सकते हैं। जितना एंगल हम यहाँ मेजर करेंगे स्केल की सहायता से, पॉइंटर की सहायता से, जितना डिफ्लेक्शन आएगा उसी उतना ही करंट होगा। डिफ्लेक्शन ज़्यादा है इसका क्या मतलब है? करंट ज़्यादा है। और डिफ्लेक्शन कम है तो क्या हुआ? करंट कम। और वहाँ ऊपर स्केल बना होगा, उस स्केल की मदद से हम उसे डिटरमाइन कर लें। बात क्लियर है ना? पहुँच। गैल्वेनोमीटर आपने देख पढ़ा अभी। गैल्वेनोमीटर में क्या होगा, उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं? एक की प्रॉपर्टीज है करंट सेंसिटिविटी। सेंसिटिव तो होना चाहिए गैल्वेनोमीटर। कैसा होना चाहिए? कि थोड़ा सा करंट भी उसमें पास आउट हो सर्किट में तो उसमें डिफ्लेक्शन हो जाए। यही तो है भाई। दो गैल्वेनोमीटर हैं, हमने दोनों गैल्वेनोमीटर में क्या किया? दोनों में हमने करंट फ्लो किया 0.1 माइक्रो एम्पियर, दूसरे में 0.2 माइक्रो एम्पियर किया या बराबर किया। और एक में ज़्यादा डिफ्लेक्शन हो गया, अचानक एकदम से डिफ्लेक्शन हो गया, एक में नहीं हुआ डिफ्लेक्शन, तो कौन सेंसिटिव हुआ? जिसमें डिफ्लेक्शन इजीली हो जाए। और जितना कम करंट पर हो जाए उतना ज़्यादा सेंसिटिव। भाई हम तो क्या चाहेंगे? कम से कम करंट मेजर करना है। ज़्यादा करंट मेजर करने के लिए तो हमारे पास क्या है? एमीटर है ना, एमीटर। अब देखिए होगा क्या, करंट सेंसिटिविटी एस आई इज इक्वल टू फाइव अपॉन आई। इफ आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर देन एस आई इज इक्वल टू 5। करंट सेंसिटिविटी क्या है? डिफ्लेक्शन फॉर पर यूनिट करंट इन कोयल। अगर कोयल में, कोयल कौन? जो हमने कॉपर की वायरिंग की थी एल्यूमिनियम फ्रेम पर, वो अगर वो कोयल 1 एम्पियर करंट के लिए या यूनिट करंट के लिए, 1 माइक्रो एम्पियर करंट के लिए, उसमें जितना डिफ्लेक्शन होता है उस डिफ्लेक्शन को कहा जाता है करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। क्लियर है आपको? याद करने का फॉर्मूला, टो इज इक्वल टू एन आई ए बी, टो इज इक्वल टू सी फाई। बैलेंसिंग पोजिशन में दोनों बराबर आए, फाई अपॉन आई एन बी ए अपॉन सी, वेयर एन इज नंबर ऑफ टर्न्स, बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ए एरिया, सी टोरिजिनल कॉन्स्टेंट ऑफ स्प्रिंग, टोरिजिनल कॉन्स्टेंट ऑफ स्प्रिंग। अब आप देखिए फाई अपॉन वाई की वैल्यू क्या आई? एन बी ए अपॉन सी, एन बी ए अपॉन सी। ये आपकी करंट सेंसिटिविटी हो गई। क्लियर? करंट सेंसिटिविटी किस किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है? एन पर, बी, ए एंड सी। हम करंट सेंसिटिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं? एन को इंक्रीज करके, मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करके, एरिया बढ़ाकर, और सी को डिक्रीज करके। और सी का एक फॉर्मूला होता है पाई ईटा आर टू डी पावर 4 अपॉन 12, है ना। सी हमें कम करना है ना। और ये कांस्टेंट कब कम हो सकता है? जब हम इसकी वायर की रेडियस कम करें, जब हम उसकी लेंथ ज़्यादा करें। यही तो होगा। वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी इसी प्रकार होगा। क्या होगा? इफ वी इज इक्वल टू 1 वोल्ट देन एस वी इज इक्वल टू 5, मीन्स डिफ्लेक्शन फॉर पर यूनिट वोल्टेज डिफरेंस इन कोयल। क्लियर? वी इज इक्वल टू आई आर, फाई अपॉन आई की वैल्यू पुट कर देंगे यहां से। एस बी इज इक्वल टू एन बी ए सी आर। यहाँ आप ध्यान देंगे इस बात पर, अभी बताया करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा सकते हैं, परंतु यहाँ आप एक चर्चा कीजिए। अगर हम यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते हैं तो क्या हुआ? जब हम
ज़्यादा चक्कर उस पर लगाएंगे तो क्या होगा, लेंथ भी बढ़ गई और लेंथ बढ़ने के साथ साथ उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ गया। जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, रेजिस्टेंस। तो फ़ायदा क्या हुआ, हमने क्या करा, हमने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाए, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने के साथ साथ रेजिस्टेंस भी बढ़ गया। तो क्या हुआ, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ने से सेंसिटिविटी बढ़ी परंतु रेजिस्टेंस बढ़ने से सेंसिटिविटी कम हो गई। तो ये दोनों फैक्टर का तो मतलब ही नहीं होता भाई, एक चीज़ से हमें फ़ायदा हो रहा है और वही चीज़ हमें नुकसान दे रही है, फ़ायदा क्या हुआ। तो इन चीज़ों पर हम डिपेंड नहीं करेंगे, यहाँ ये माना नहीं जाएगा, यहाँ पर डिपेंड करेगा केवल मैग्नेटिक फील्ड। मीन कौन करेगा, मैग्नेटिक। और मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे चेंज करते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, हम आयरन और कोबाल्ट का लेकर, अगर वो मैग्नेट हम आयरन कोबाल्ट देते हैं तो आयरन और कोबाल्ट का लेने से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाता है, क्लियर। और उसमें अंदर जो हम सॉफ्ट आयरन की क्रोड रखते हैं, किसकी क्रोड, सॉफ्ट आयरन की जो क्रोड रखते हैं उसके बढ़, उससे भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है। तो इस प्रकार हमने क्या बताया, अगर हमें करंट सेंसिटिविटी बढ़ानी है तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा सकते हैं, सी की वैल्यू कम कर सकते हैं, परंतु अगर हमें वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ानी है तो हम केवल मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड रहेंगे। और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, आयरन कोबाल्ट का एलॉय का बना लें वायर तो उससे मैग्नेटिक बढ़ जाएगी, या सॉफ्ट आयरन रख दें, या फिर सी घटा दें हम। और सी डिक्रीज कैसे कर सकते हैं, जिस वायर को, जिस वायर से स्प्रिंग जुड़ी है, जिस वायर से स्प्रिंग जुड़ी है उस वायर की रेडियस कम कर, उस वायर की रेडियस हम कम कर दें तब भी हम सी की वैल्यू कम कर सकते हैं। तो गैल्वेनोमीटर क्या है कुल मिलाकर, गैल्वेनोमीटर क्या है, बहुत लंबा टॉपिक आज हो गया। गैल्वेनोमीटर क्या है, एक ऐसी डिवाइस है जिसके द्वारा किसी सर्किट में हम करंट को मीजर कर सकते हैं और उसकी डायरेक्शन भी हम मीजरमेंट कर सकते हैं उसका। अब देखिए,